तुमने तो पता ही था, अगर वो मार के गए हैं उसे, उसे पता है कि मैंने इसे गोली मार दी है, तो वो लड़की को और लड़के को ही पता होगा। वो सिर्फ इतनी बहस कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पीछे बैठ। उसने अपने ये इधर से पिस्तौल निकाला है, ठीक है, उसने स्ट्रेट उसको फायर मारे हैं नीचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक, और इचरा में दो दिन पहले दुकान के बाहर दुकानदार को कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल करने वाले कौन लोग हैं? मेरे साथ मकतूल आमिर के भाई मौजूद है, उनके कज़न भी मौजूद है, इनसे सारा वाकया जानते हैं कि ये सारा वाकया किस तरह से हुआ था और कौन लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाकर आपके भाई को कत्ल कर दिया। सर वहाँ से वो गोलियां चलाना शुरू हुए हैं, ठीक है, चलाते चलाते वहाँ से ना लड़ाई झगड़ा लड़की का ही लड़के का ही था। हमें नहीं था पता वो कौन है कौन नहीं थे, ठीक है। दो लड़के थे, एक लड़की थी। उसने बोला है लड़की को कि आप मेरे साथ चलो, वो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना आपके साथ। वो लड़का कह रहा था कि तूने जाना कि नहीं जाना। इतनी देर में उसने अपनी पिस्तौल निकाली, ठीक है, उसने उस पर ना गोलियां चलानी शुरू कर दी, ठीक है। उसने किसी को नहीं देखा कि कौन खड़ा हुआ है, इस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, और ये लोग कौन थे? आज जो सा लड़का था उसके साथ बहस हो रही थी, उसके ऊपर उसने गोलियां चलाई, ठीक है, उसने उसके ऊपर चलाई, वो भाग गया, ठीक है। उसके बाद वो लड़के चलाते चलाते पूरी मार्केट में ना, ये बाजार में चलाते चलाते इधर तक आए। वो भाई मेरा इधर काम कर रहा था, ठीक है, सफाई का, उसका ये दुकान है, ठीक है, किराने की छोटी सी दुकान है, वो इधर काम कर रहा था। उसने जब देखा ना कि गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं, वो इधर साइड पे हो गया। जब उससे पता ना कि यार ये रुक गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं जल्दी जल्दी शटर अपना क्लोज कर दूं। इतनी देर में वो लड़के इधर बाइक लेके आते हैं और दो हवाई फायर इस तरफ करते हैं। ये हवाई फायर नहीं होते, ये तो सीधे फायर होते हैं। हाँ वही ना, जो उनसे उन्होंने सीधे सामने किए हैं, स्ट्रेट उसे स्ट्रेट फायर मारे हैं उन्होंने। और एक 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 उसमें एक उसमें लगा नहीं उसको, ठीक है, और एक जो उनसा था ना उसके दिल के ऊपर लगा। उसकी आपके भाई की कोई उनके साथ कोई दुश्मनी थी? सर कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो अपना काम पे आता था चुप करके, रात को 11-11:30 बजे तक घर चले जाता था। उसके साथ किसी की बहस नहीं थी, किसी से भी पूछ लें कि उसने किसी का देना हो या उसके साथ किसी की बहस हो, वो जिससे भी पूछोगे ना आप यही कहेगा कि यार वो लड़का बहुत अच्छा था, हमारे साथ उसकी कोई लेन देन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसने कितने मुल्ज़म थे इनके साथ, कौन कौन और लोग थे, और वजह क्या थी जो उन्होंने सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी? सर ये तो वो लड़की को और लड़के को ही पता होगा, वो सिर्फ इतनी बहस कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पीछे बैठ। वो लड़की को कह रहे थे? हाँ वो लड़की को, लड़का कह रहा था जो होंडे पे था, वो कह रहा था मेरे पीछे बैठ। वो जो ब्लू सूट वाला लड़का था वो कह रहा था कि मेरे पीछे, मैंने तुझे लेके जाना है। वो इतने में उसने जो सा बाइक पे बैठा हुआ था ना होंडे पे, उसने अपने ये इधर से पिस्तौल निकाला है, ठीक है, उसने स्ट्रेट उसको फायर मारे हैं नीचे। ये मुल्ज़िम भी आपके मोहल्ले के रहने वाले हैं? सर एक तो वो बाबादम चौक वाली साइड पे रहने वाला है, ठीक है, जो होंडे पे था और जो गोलियां चलाई, जिसने गोलियां चलाई। जो सा दूसरा था ना जिससे वो बहस कर रहा था, वो शादमान मार्केट का रहने वाला है, रियाशी। वो यहाँ पर आके क्या कर रहे थे? क्या उनको यहाँ पर आके लगा कि जी हमने यहाँ पर आके इस तरह की जो लड़ाई है वो करनी है और एक शख्स को, बेगुनाह को मार देना? सर कभी ऐसा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, यकीन माने। वो इधर सारे भाई भाई बने हैं अपने इधर, वो आते हैं कामों पे, आते हैं कामों से, दुकानें बंद करते हैं और क्लोज करते हैं, चले जाते हैं। आपको पता चला कि इन मुलजमान की शिनाख्त क्या है, क्या नाम है इनके? सर अभी तक कोई थाने से हमें कोई बताया नहीं गया कि क्या इनकी कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। वो देखें अब उनका तो चला गया ना, इसने तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है? जी सर वो उन्होंने बताया है कि हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया हुआ है, ठीक है, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कार्रवाई की जा रही अभी, कुछ घर वालों को बताया नहीं जा रहा। उसकी एक 1.5 साल की बेटी चली गई, ठीक है, एक 5 साल की बेटी है। शादीशुदा थे आमिर? आमिर शादीशुदा था, उसकी 2 बेटियां थी, एक 1.5 साल की, एक 5 साल की, ठीक है। वो उसका बूढ़ा बाप अब क्या करेगा। कितनी गोलियां लगी थी आमिर को? सर उसको एक ही लगी है, वो भी दिल के ऊपर लगी है, और उसको उठने का मौका ही नहीं मिला कि वो उठ के भाग सके या इधर उधर जा सके। इतना समझ ले कि इतना तहश इतना फैल गया हुआ था कि कोई किसी को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब अपनी भाग दौड़ में लगे हुए थे।
वो इतनी देर में वो उसको दिल पे गोली लगी आके। इन मुलजमान को पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार कर लिया था? यकीनन वो ये सारा कारनामा करके फरार तो हुए होंगे ना? जी सर, उन्होंने ना एसपी साहब हमारे जोन से आए थाने के, इचरे थाने के, उन्होंने कॉल पे, क्योंकि हमने इधर से कॉल चला दी हुई थी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हमारे भाई के साथ वारदात हो गई है, ठीक है, इधर कत्ल हो गया है। तो उन्होंने आप अपने जोन से उनके है पुलिस वाले, उनको कॉल की, ठीक है, उन्होंने वायरलेस चलाई, उसके बाद वो उन्होंने एक्शन लिया, वो बाहर होटल से पकड़े गए, इधर वो उन्होंने गोली मारी है, ठीक है, वो होटल से पकड़े गए हैं। वो नहीं पता था कि किसी बंदे को गोली लग गई? सर उन्हें तो पता ही था, अगर वो मार के गए हैं उसे, उसे पता है कि मैंने इसे गोली मार दी है, उसने कहा कि एक बंदा जो उनसे ना मैंने कर दिया मार दिया, हाँ वो मार के वो चला गया। अभी आपको पुलिस ने कुछ फर्दर कोई जो मुलजमान की तफ्तीश की है उसके हवाले से कुछ बताया? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया, अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया। हम 2 दिन बाद वो एक भाई इसका ये सोदिया आता था, ठीक है, ये आज आया सोदिया से और सुबह इसका वो उसका 10 बजे जनाजा था। क्या आप चाहते हैं और क्या होना चाहिए इन मुलजमान के खिलाफ? सर इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारी यही गुजारिश है कि मरियम नवाज साहब, ठीक है, हमें इंसाफ दिलवाएं। हाँ जी बिल्कुल नाजिन, अगर आप वीडियो में देखें कि ये वो दुकान थी और इस दुकान के बाहर वो शख्स अपने दुकान के बाहर सफाई कर रहा था कि उसे नहीं मालूम था कि ये जो उबाश लोग हैं जो पीछे से हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ पहुंचे तो उनको क्या लगा और क्यों उन्होंने सीधी गोलियां चलाकर एक मासूम शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन मुलजमान के खिलाफ जैसे ही 15 पर कॉल की जाती है तो पुलिस इन तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देती है। अब इन मुलजमान की तफ्तीश जो है वो जारी, अब देखना यह है कि इन मुलजमान ने क्यों मकतूल आमर को कत्ल किया। अब इनका ये सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस तरह से जो दंदनाते जो कातल सरेआम गली मोहल्लों में फिरते रहते हैं इनके खिलाफ जो है वो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और बरवक्त कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी अपडेट होगी उसके बारे में आपको जरूर आगाह करेंगे। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ने के बाद।